अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिटफाट। आज एक दफ़ा फिर आपका भाई आपके लिए एक टेक वीडियो लेके आया है। यार मैं बताता हूँ, मेरे जेहन में दो तीन कंटेंट थे आज, लेकिन मैंने मतलब अहमद से पूछा, एक दो जगह और पूछा, तो मुझे यही प्रेफर हुआ कि यार इन दोनों का कंपेरिजन होना चाहिए। दिस इज़ आईफोन एक्सेस मैक्स और दिस वन इज़ हमारा चिंटू, इसका नाम मैंने चिंटू रखा है, गूगल पिक्सल 4a। इन दोनों का मैं कंपैरिजन करने लगूँ, स्पीड टेस्ट करने लगूँ, नॉट लाइक अ प्रोफेशनल, लेकिन करने लगूँ जितना मुझे आता है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आज व्लॉग नहीं, आज आपको कंपैरिजन दिखाते हैं। कंपैरिजन व्लॉग देख लो, कंपैरिजन व्लॉग कह लो, जो आपका दिल करे वो कह लो। बहरहाल आज जो है वो ये देखें, कल इंशाल्लाह मस्ती भी करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी होती है ना, एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना होता है। यकीन करें, मैंने सिंपल इवन के सिंगल टाइम इनका लॉक खोल के भी इनको कंपेयर नहीं किया, फिर भी अब करने लगा हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और साथ इसको शुरू करते हैं। तो करते हैं जी अपने व्लॉग को स्टार्ट। मैं जो है वो कैमरा पकड़ के बैठे हुए अहमद को मैंने कहा कि तू कर, क्योंकि मेरा कैमरा मैन अहमद साहब जो है इसको सिखाते सिखाते मुझे लगता मैंने बूढ़े हो जाना है। अब मैं जो है वो शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले चेक करा अहमद साहब ये जरा देखे, सबसे पहले कि एप्लीकेशन क्लियर की हुई है, सारी एप्लीकेशन ये देखें कम्प्लीटली जो है वो क्लियर है। और सबसे पहले हम सब जरा क्रोम खोलेंगे, हम लोग क्रोम ओपन किया और देखें कितना प्राइस में फर्क है, 1.5 लाख और 40,000 प्राइस में डिफरेंस देखें और स्पीड में डिफरेंस देखें। अहमद साहब जरा बैक करो एप्लीकेशन, इस तरह ही खुली रहने दो, कैमरा ओपन करो भाई दोनों का, तकरीबन सेम है। नहीं ठीक है, का ज़्यादा मज़ा है। इतना फर्क, कोई फर्क नहीं होता, पैसों का फर्क देख और चीज का, उसके बाद स्पीड का फर्क देख। ये दोनों चीजें खुल गई हैं, उसके बाद जरा सेटिंग्स खोलते हैं, इसकी सेटिंग देख कहाँ पे है, इसकी भी फुल नीचे है, इसकी वो है सेटिंग। अब इन दोनों की सेटिंग्स ओपन करके देखते हैं जरा, 1, 2, 1, 2, 3 अमन ने दबाया ही, मुझे तो लगता है दोबारा कर लेते हैं। ये लो जी, ये लो, एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं। 19-20 का फर्क भी नहीं आया बिल्कुल, मतलब इतना स्मूथ है गूगल पिक्सल, हालांकि ये पुराना फोन, दोनों ही फोन पुराने हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड अगर देखी जाए और पैसे देखे जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों फोन्स के ओलेड डिस्प्ले हैं, सेम डिस्प्ले हैं, दोनों 60 हर्ट्ज हैं और दोनों जो है वो ओलेड डिस्प्ले हैं। गूगल और आईफोन एक ही डिस्प्ले देता है जिसको ओलेड डिस्प्ले कहते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करने लगे हैं यूट्यूब का, जरा सब यूट्यूब खोलो, एक साथ ही दबाया बगैर कही। ओए भाई इंटरनेट से, ओए 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 भाई ना ना ना, उसमें 4G चल रहा है, इसमें वाईफाई चल रहा है, फर्क नहीं, जो मर्जी चल रहा है, पैसों का फर्क देख, स्पीड उसके ऊपर तो बेशक फोन चला दे, चल उसके ऊपर कर जरा वो कर, उसके ऊपर वाईफाई ऑन कर। मैं कहता कि जो वाईफाई की वजह से इशू है, वाईफाई दोनों के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। 3, 2, 1 हाँ जी, वो देख एक्सेस मैक्स तो तेज है ना भाई, वो पहले आपने खोल जली थी। 19-20 का डिफरेंस है यार, कुछ भी नहीं डिफरेंस। 1, 2, 3 ओए 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 ओए, 15 चीजों के बाद एक चीज सही चल रही है। हां तो यही कहेगा, इधर मुंह करके जरा कह, एक्सेस मैक्स, एक्सेस मैक्स। हां जी हां जी, चलो अगली तरफ चलो, अब म्यूजिक ओपन करते हैं। 2, 1 आईफोन में ऑन हो जाता, देखो भाई ये डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है 19-20 का, ये डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। जब पैसों की बात होगी तो जिस मर्जी बंदे को तो पूछो, उसने कहना भाई इतने डिफरेंस में फर्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई आधा पौना सेकंड और भी लेट हो तब भी कोई इशू नहीं है। अब हम खोलते हैं जी एप्पल स्टोर वर्सेस प्ले स्टोर। 3, 2, 1 खुल दोनों में बहुत तेज रहा है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर कोई इतनी बला चीज है ना, जो बिल्कुल समझ से बाहर है कि यार ये किस तरह इतनी तेज काम करता है ये। अहमद इसको डिलीट कर, इसको डिलीट कर, बहुत अच्छी गेम है ये, इसको डिलीट कर, ये डिलीट नहीं होती यहाँ से, जितना इसको डिलीट कर। आपसे मैं यूसी डलवाने, आप सबर कर जो मेरी बारी, अब बटर मेरी बारी है, जिस दिन तेरे कॉलेज से छुट्टी होगी पता तो तुझे उस दिन लगेगा, जितना कल वाला लोग जिसने देखा उसको पता होगा कि मेरे साथ कल क्या, यार अब इसके साथ मैंने क्या करना है, देखेंगे देखेंगे। गूगल क्रोम को जी, गूगल क्रोम वर्सेस सफारी। 3, 2, 1 ब्रो भाई ये वो खुल गया, तेरी बात ठीक है, लेकिन
यार अहमद अगर तू पैसों का डिफरेंस देखे फिर कितना का डिफरेंस है मुझे बता। एक्सपीरियंस का डिफरेंस भी है, आईफोन आईफोन है यार, पैसे पैसे हैं यार। पैसे यार तो मैं नहीं लेता आईफोन। नहीं लेता आईफोन। बहरहाल कैमरा कैमरा बल्कि खोल के पहले मैं टेस्ट करवा चुका हूँ उसको, तो मैं 13 प्रो मैक्स के साथ मुकाबला कर चुका हूँ और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस फोन की। भैया मेरा एक आपसे सवाल है, आप गूगल पिक्सल के हक में इतना क्यों हो? भाई मैं इस फोन के हक में सिर्फ इसलिए इतना हूँ कि यार अगर मैं सारों को ये बात कहता हूँ कि हम लोग करते हैं बेवकूफ़ी, मैं किसी बंदे को डी वैल्यू डी ग्रेड नहीं कर रहा, ना किसी कंपनी को कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो पैसे आप लोगों ने खर्चने, तो मैं आपको अपना एक मशवरा दे सकता हूँ कि यार आप लोग जिधर से मर्जी लो एक अच्छी डिवाइस आपको जब एक अच्छी ऑप्शन, मुझे तो यकीन करें पहले पता नहीं थी, नहीं तो मेरी नज़र में पिक्सल से ऊपर जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है। एंड्रॉइड में अगर आप बात करो तो पिक्सल से ऊपर कोई डिवाइस, इसको सैमसंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर बात की जाए पैसों की तो पाकिस्तान में वैल्यू टू मनी चीज़ ये है, मैं इस वजह से गूगल के हक में हूँ पिक्सल के, यार आप लोग पिक्सल हो, मैं बार बार आपको चीज़ कहता हूँ, उसकी वजह मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा ना, मैं मेरा कोई ये मतलब सीन है कि मेरे पास आए हुए हैं फ़ोन और मैंने देने, मैं मंगवा के ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं कि यार मेरा स्टॉक फंसा हुआ है मैंने बेचना है तो फिर ही कुछ होना है, वो चक्कर नहीं, सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा मशवरा, जिस तरह मैं हमेशा आपको जो चीज़ मैं फील करता हूँ जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ आप लोगों के साथ हमेशा से मैं वो शेयर करता हूँ। और यार ये स्टिल वही मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो गूगल पिक्सल अगर आप पैसों के साथ देखें तो जी यार आपको देसी जुबान में कहूँ यार 40-35-40 हज़ार भरना ना तो पिक्सल से भरो, कम अज कम दुख नहीं होगा, अच्छे रह जाओगे भाई को दुआएं दोगे और दूसरे आपको देख के कहेंगे कि यार इस तरह का फ़ोन हमें भी लेके दो। तो बस ये थी जी आज की वीडियो, सारा दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी इस वजह से इस टाइम ये वीडियो बनानी पड़ी, कल इंशाल्लाह शुक्र मेला भी लगाएंगे। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दानियाबाद में अगर आप लोग दानियाबाद को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको मतलब जो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात, कल तक के लिए भाई को इजाजत दें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।